जनपद संभल की 31 विधानसभा चंदौसी की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने बाजारों व मोहल्लों में जाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान विमलेश कुमारी का काफिला चंदौसी के बाजारों व मोहल्लों में जैसे आवास विकास, घंटाघर, बड़ा बाजार, ब्रह्मा बाजार, केथल गेट, चुन्नी मोहल्ला, संभल गेट, हनुमान गढ़ी, गणेश कॉलोनी, फवारा चौक आदि में जाकर वोट की अपील की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विमलेश कुमारी ने कहा, आज हमारा मार्केट का भ्रमण है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी के चेहरे पर समाजवादी के नाम से खुशी दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें इस दिन का इंतजार हो। जैसे हमारा व्यापार चौपट हुआ है, उसको सही करने के लिए अखिलेश यादव के रूप में अच्छे मुख्यमंत्री हमें मिलने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमें चंदौसी विधानसभा से बहुत रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीत हासिल करेंगे। यहाँ के व्यापारी भाइयों को, यहाँ के मजदूर भाइयों को, यहाँ के किसान भाइयों को, मेरी माताओं बहनों को मैं अभी से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने दिल से समाजवादी के प्रति जो भाव बनाए हैं और आपने विकास के लिए जो रास्ते खोलने के लिए समाजवादी पार्टी का चयन कर रहे हैं, मैं उसके लिए तहे दिल से आपकी आभारी रहूंगी। समाजवादी पार्टी से आपको प्रत्याशी चुना गया है, आप बाजार बाजार घर घर जाकर वोट की अपील कर रही हैं लोगों से, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मुझे सभी भाइयों का मुझे सहयोग लेना है, व्यापारियों का भी, छोटे और बड़े सभी व्यापारियों का। आज हमारा मार्केट का भ्रमण है और मुझे बड़ी हर्ष हो रहा है कि सभी के चेहरे पर समाजवादी पार्टी के नाम से एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनका इस दिन का इंतजार हो कि हमारा व्यापार जो चौपट हुआ है उसको सही करने के लिए अखिलेश यादव जी के रूप में एक अच्छे मुख्यमंत्री हमारे बीच में मिलने वाले हैं। इसको मुझे एक अच्छा मैसेज आज मुझे मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग चंदौसी विधानसभा का बहुत बड़ी रिकॉर्ड मतों से हम जीत हासिल करेंगे। आज समाजवादी पार्टी शहर चंदौसी में भ्रमण कर रही है, जगह जगह विधायक जी और आप साथ में वोट की अपील कर रहे हैं जनता से, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, आज ये जो हमारे जो कैंडिडेट हैं विमलेश कुमारी जी, आज चंदौसी में जो बाजार के अंदर जा जाकर वोट मांगने की अपील कर रही हैं, क्योंकि 14 तारीख को मतदान होना है, उसी को लेकर के हम लोग सारे हमारे पदाधिकारी और जो हमारी प्रत्याशी हैं वो सब डोर टू डोर जा कर के बाजार में जा कर के हम लोग साइकिल के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ताकि 14 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसमें साइकिल के निशान का बटन दबा करके विमलेश कुमारी जी को जिताने का काम करना है। क्योंकि सरकार बनानी है तो इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना हमारे नेता जी ने कहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे, समाजवादी पेंशन जो 500 रुपये थी उसको 1500 रुपये करने का काम करेंगे, किसानों के लिए बिजली फ्री करने का काम किया है उन्होंने, और जो पुरानी पेंशन थी उसको जो इन्होंने रोक दिया गया था उसको पुनः सरकार बनने के बाद बहाल करने का काम अगर कोई करेगा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि जो किसान आंदोलन में हमारे शहीद किसान 700 शहीद हो गए थे उनको 25-25 लाख रुपए देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद किया जाएगा, उसी को लेकर के आज हम लोग ब्रह्म बाजार के अंदर, चंदौसी के अंदर और यहाँ कर जा जा करके दुकानों पर, घरों पर डोर टू डोर अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, ताकि लोग हमारी समाजवादी पार्टी को वोट दे करके और हमारी विमलेश कुमारी जी को जो प्रत्याशी हैं हमारी उनको जिताने का काम।